Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2023 released एक आसामीज हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है पुवाते निशा, जिसका मतलब होता है द डेविल्स आवर। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक अंधेरे रात से। हम एक आदमी को देखते हैं एक सुनसान रास्ते से कहीं जाते हुए, वो भी रात के 3:30 बजे। उसके आसपास के पूरे जंगल में ही एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे कायनात ही सो चुकी हो। आवाज थी तो बस क्रिकेट्स की, जो हिप्नोटाइज करने वाले सराउंडिंग को और डरावना बना रही थी। ऐसे में कोई भी ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहेगा, मगर इस आदमी को रुकना पड़ता है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो, दर्द से रो रही हो। मेबी ये किसी चिड़िया की आवाज थी, मगर सुनने में इतना भयानक लग रही थी कि किसी की भी रूह कांप उठेगी। इस आदमी का तो डर से गला ही सूख जाता है। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और भाग निकलता है। मगर इसके ठीक कुछ देर बाद ही हम इसी रास्ते और दो लोगों को जाते हुए देखते हैं, राजू एंड पराग को। दोनों ने ही ड्रिंक किया था, राजू तो ठीक से खराब ही नहीं हो पा रहा था। ऐसे में अचानक ही वो पराग से कहता है गाड़ी रोकने के लिए, क्योंकि उसे भी टॉयलेट जाना था। तब अचानक ही पराग को राजू के फेस पर खून के छींटे नजर आते हैं। वो काफी घबरा जाता है, मगर हैरान नहीं होता। इसका मतलब उसे पहले से ही पता था इसके ओरिजिन के बारे में, और शायद उसी बात को लेकर टेंस्ड भी था। वो बार बार राजू से कह रहा था जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो लोग पकड़े तो नहीं जाएंगे ना, इंजॉय करने के चक्कर में कहीं उनकी बाकी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। भले ही राजू उसे दिलासा देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर पराग का तो मन ही नहीं मान रहा था। उसका सिक्स्थ सेंस कह रहा था कुछ बहुत बुरा होने वाला है। होता भी वही, ठीक इसी समय उनका बाइक खराब हो जाता है। लगातार कोशिश करके भी वो लोग उसे स्टार्ट नहीं कर पाते। अब रात के इस समय ऐसे सुनसान जगह पर इससे बुरा और क्या हो सकता है। ऊपर से ठीक इसी समय पराग को सुनाई देती है किसी की रोने की आवाज, किसी लड़की की, बहुत धीमी सी, जैसे कोई घुट घुट कर रो रही हो। वो घबरा तो जाता है, मगर फिर खुद को ये कहकर शांत भी कर लेता है कि शायद उसके कान बज रहे होंगे। राजू तो यहीं खड़ा है, उसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मगर उसे दिखाई जरूर देता है। वो नोटिस करता है उनसे कुछ ही दूरी पर जंगल के अंदर पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी है सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने अपने सारे बाल ही सामने की तरफ कर रखा था। इधर नशे में चूर राजू का विजन ब्लर होने लगा था, फिर भी न जाने क्यों उसे लग रहा था वो लड़की इसी तरफ देख रही है, उसकी आंखें उन्हीं पर टिकी है। राजू समझ नहीं पाता ये क्या उसका भ्रम है या उसका दिमाग उसे ट्रिक कर रहा है। तो वो पराग को दिखाता है, और जब पराग कंफर्म करता है तो डर से दोनों की ही हालत खराब हो जाती है। वो देखता है वो लड़की ही रो रही है, और वो आवाज धीरे धीरे जैसे तेज होने लगी है, एज इफ वो लड़की बैठे बैठे ही उनके पास आ रही है। ये डेफिनेटली कोई इंसान तो नहीं हो सकता था, तो फिर शायद उन्हें पता था ये क्या है, जिस कारण से वो लोग एक और सेकेंड भी वहां जाया नहीं करते, जैसे तैसे बाइक स्टार्ट करते हैं और भगाते हैं। मगर वो लोग कितना ही स्पीड अप क्यों ना कर ले, कितना ही आगे क्यों ना निकल ले, उस लड़की से पीछा छुड़ा नहीं पाते। रास्ते के हर एक मोड़ पर उन्हें वो नजर आने लगती है, एज इफ वो उनके साथ साथ ही चल रही हो, बिल्कुल उनके साए की तरह। डर से राजू का नशा छूट चुका था, हाथ कांपने लगे थे उसके, दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसे कुछ भी करके इस डेविल्स आवर को पार करना होगा, अंधेरे के इस माया जाल से जिंदा निकलना होगा उसे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। अचानक ही वो लड़की उनके बिल्कुल सामने आ जाती है, और राजू बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाता, फुल स्पीड पर बाइक जाके टकराता है एक पेड़ से, एंड एज द रिजल्ट वहीं पर उन दोनों की मौत हो जाती है। उनकी लहू लुहान लाश पड़ी रहती है वहां, किसी को पता ही नहीं चलता। रात के अंधेरे में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई जान ही नहीं पाता। लेकिन ये सब आखिर हुआ है क्यों, वो लड़की आखिर कौन थी, उसे देखकर ये दोनों इतना डर क्यों गए, और वो लड़की उनका पीछा ही क्यों कर रही थी।
अगले सीन में ही हमें इसका जवाब मिल जाता है जब हम फिर से एक बार उस लड़की को देखते हैं। वो बीच सड़क पर किसी चीज के पास खड़ी थी, मगर वो चीज क्या थी वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती। उसके सामने एक फोन पड़ा था जिसमें किसी का कॉल आ रहा था। ये लड़की उस फोन को उठाने जाती है मगर उसे छू तक नहीं पाती। इनफैक्ट वहां पर एक किसी भी चीज को छू नहीं पाती वो। एट दिस टाइम रियलिटी हिट करती है उसे, और उसके साथ साथ हमें भी समझ आता है कि ये लड़की असल में जिंदा है ही नहीं, इसकी तो मौत हो चुकी है। ये तो उसकी रूह है जो अभी तक सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बदले के आग में जल रही थी उसकी रूह। किस चीज का बदला, चलिए जानते हैं। अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं कुछ घंटे पहले, ऑलमोस्ट रात के 2:30 बजे, जब इस सब की शुरुआत हुई थी। हम मिलते हैं इसी लड़की से जो घर में अपने पति के लिए इंतजार कर रही थी, खाने का प्लेट सजाकर बैठी थी बेचारी। ऐसे में अचानक ही उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कहता है उसके पति का एक्सीडेंट हुआ है, हालत काफी क्रिटिकल है, उसे अभी आना पड़ेगा। अब ऐसी बातें सुनकर तो कोई भी टेंशन में पागल हो जाएगा। ये लड़की भी होती है और वो उसी वक्त निकल भी पड़ती है, भले ही उसकी माँ उसे अकेले जाने से मना करती है। इतनी रात एक अकेली लड़की कैसे मैनेज कर पाएगी अगर कुछ हो गया तो? वो खुद जाना चाहती थी उसके साथ, मगर ये लड़की नहीं मानती। वो उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, ना एक और मिनट भी देर करना चाहती थी। वो उसी वक्त अपना स्कूटी स्टार्ट करती है और निकल पड़ती है। हम उसे उसी जंगल के रास्ते जाते हुए देखते हैं। मे बी वो शॉर्टकट था, इसीलिए उसने उस रास्ते को चूज किया था। इवन हम उस गाड़ी को भी देखते हैं उसे पास करते हुए, जिससे इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। मगर कुछ देर बाद इस लड़की की स्कूटी अचानक ही बंद पड़ जाती है और वो बीच सड़क पर हेल्पलेसली उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है। टेंशन में माथा खराब हो रहा था उसका, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे पहुंचे अपने पति तक, अपने बारे में तो वो सोच भी नहीं रहती। ठीक उसी वक्त वहां से राजू और पराग गुजर रहे थे, जो उस लड़की को देखकर रुक जाते हैं। नहीं, उसकी मदद करने नहीं, बल्कि उनका इंटेंशन कुछ और ही था। जिसके भनक इस लड़की को उन्हें देखते ही लग चुकी थी, तो पहले वो उन्हें बातों से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। वोल्डा और एक्साइटेडली उसके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, उसे टच करने की कोशिश करते हैं। इससे वो लड़की बहुत नाराज हो जाती है और राजू को जोर से एक थप्पड़ मार के वहां से जाने के लिए कह देती है। उसे लगा था इससे वो डर जाएगा और वो खुद भी किसी को कॉल करके बुला लेगी तब तक, मगर ऐसा होता नहीं। राजू उसे ऐसा कोई मौका नहीं देता, वैसे ही नशे में चूर था वो, सही गलत में फर्क उससे हो नहीं रहा था। ऊपर से दोस्त के सामने एक लड़की से मार खाना पड़ा था उसे, ऐसे कैसे जाने देता वो। इसका बदला तो उसे लेना ही होगा। तो वो पराग से कहता है उस लड़की को पकड़ने के लिए अपने थप्पड़ की कीमत उसे देनी पड़ेगी। वो लड़की पराग से खुद को छुड़ा नहीं पाती, मगर कोशिश जरूर करती है। उस हाल में भी लात मारती है राजू को, मगर इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता उससे। अकेले उनका सामना करना पॉसिबल नहीं होता उससे। ये दोनों जानवर नोच नोच कर उसके सम्मान के टुकड़े कर देते हैं, अपने हवस का शिकार बनाते हैं उसे, बार बार अपने हैवानियत से जख्मी करते हैं उसे। और वो लड़की चिल्लाने के सिवा कर भी क्या सकती थी। वो बेचारी को तो उम्मीद भी नहीं थी कि इस वक्त इस जंगल में कोई आए और उसे बचाए। बस एक आदमी उसकी ही आवाज सुन पाता है, लेकिन मदद तो दूर की बात है, वो तो उल्टा डर से ही भाग जाता है, जबकि उसने कुछ देर पहले ही देखा था एक अकेली लड़की इस रास्ते से आ रही है। क्या उसे एक बार भी कुछ फील नहीं हुआ? गॉड नोस। उसके निकल जाने के बाद उस रात और कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता, तो वो लड़की कुछ देर ऐसे ही वहां पड़ी रहती है। उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी, लेकिन फिर भी जिंदा थी वो। पराग और राजू शायद उसे वहीं रख कर निकल भी जाते, मगर ठीक तभी उस लड़की का फोन बजने लगता है, जिससे इन दोनों को ख्याल आता है अगर वो लोग इसे ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे तो ये लड़की तो उन्हें जेल में डाल देगी। इसका रिस्क तो वो ले नहीं सकते थे, इसलिए राजू उसका मुंह ही बंद कर देता है हमेशा हमेशा के लिए। एक पत्थर से मार मार कर कुचल देता है उसका सर और फिर उसकी मौत निश्चित करके वहां से भाग निकलता है। उसे लगा था अब किसी को उनके इस घिनौने काम के बारे में पता नहीं चलेगा, कोई जान नहीं पाएगा रात के अंधेरे में उन्होंने उस जंगल में क्या कांड किया है।
और किसी को पता ही नहीं चलेगा तो सजा किस बात की। अपने करतूतों को लेकर 100% कॉन्फिडेंट थे वो दोनों, मगर उन्हें शायद ये पता नहीं था कि सजा सिर्फ इंसान ही नहीं दे सकते, कभी कभी विक्टिम खुद ही अपना बदला पूरा कर लेता है, भले ही वो जिंदा हो या ना हो। ये लड़की भी वही करती है। वैसे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता उसे, वो बस उनके कॉन्शियंस को नॉक करती है, जिससे उनके दिल में डर पैदा हो जाए और उनका डर ही उनके मौत का कारण बन जाता है। उन्होंने लड़की समझकर जिससे हिट किया था वो एक्चुअल में एक पोस्ट था, घबराहट में गलत देखा था उन्होंने, या फिर उनके डेस्टिनी ने उन्हें दिखाया था। जरिया जो भी हो, इस लड़के को अपना बदला मिल चुका था, लेकिन क्या उसके आत्मा को शांति मिली? शायद नहीं। भला ऐसे अनटाइमली डेथ को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कोई? एक झटके में उसकी जिंदगी ही पलट गई, जिंदगी ही नहीं रही। अपने पति से भी मिल नहीं पाई वो, ना अपने माँ को खबर कर पाई। काश वो उनकी बात मान लेती, उन्हें साथ लेकर आती, क्या तब भी ऐसा ही होता? पता नहीं। अपने लाश के पास बैठे बैठे यही सोच रही थी वो। उस सीन में हमने जिस चीज को देख नहीं पाए वो उसकी लाश ही तो थी। कितनी अजीब बात है ना, इस जिंदगी में हमें सारे सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, और कभी कभी तो जिंदगी ही अधूरी रह जाती है। इट हर्ट्स। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। ऑनेस्टली मुझे कहानी काफी पसंद आई, क्रीपी है बट इमोशनल भी। भगवान करे ऐसा किसी के साथ भी ना हो। वैसे कहानी फिक्शनल है तो उतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, और अगर सिर्फ फिल्म पर फोकस किया जाए तो डायरेक्शन, एक्टिंग, डायलॉग्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द एटमॉस्फेयर मुझे तो टॉप नॉच लगी। बस लाइटिंग थोड़ी सी बेहतर होती तो देखने में आसानी होती, अदरवाइज बाकी सारे मामले में ये फिल्म मुझे परफेक्ट लगी। आई रियली लाइक्ड इट। दोस्तों, ये फिल्म यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चाहो तो चेक कर सकते हो। वैसे एक और बात, मुझे लगता है मैंने इस फिल्म का टाइटल कुछ अजीब से प्रोनाउंस किया है, अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ माफ़ कर देना और सही प्रोनाउंसिएशन लिख देना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।